60 परिवारों ने पोस्टर लगाए हैं। बागपत बड़ौत में पलायन के पोस्टर लगे हैं, 50-60 परिवारों ने पोस्टर लगाए हैं। मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। मलकपुर गांव के लोगों का आरोप है, आप देखिए ये मकान बिकाऊ है ऐसा लगा हुआ है और विकास नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत, विकास कार्यों की जानकारी मांगी है तो ग्रामीणों पर ही दर्ज करा दिया मामला। तो देखिए आप, ये बागपत में विकास नहीं होने से और इस तहत की नाराजगी। ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी देवेंद्र। विकास नहीं हुआ है, नाराजगी इस हद की है कि पलायन के लिए बिल्कुल तैयार है 50-60 परिवार। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा बड़ौत कोतवाली के मलकपुर गांव का मामला है जहां विकास कार्यों में कहीं ना कहीं कमी हो रही थी, उनमें विकास कार्यों में जो पूरा नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन प्रधान ने पुलिस से मिलकर झूठे मुकदमे में जो गांव के युवक थे उनको फंसा दिया और कहीं ना कहीं ग्रामीण हताश होकर अपनी मांग कई बार अधिकारियों के पास गई, इस बात को समस्या को बताया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जो गुहार है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर हताश होकर जो ग्रामीण है अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना सामान भरकर गांव से पलायन के लिए निकल गए, जिसको लेकर पुलिस में प्रशासन में हड़कंप मचा और उन्हें रोकने का प्रयास करा तो उन्होंने बड़ौत तहसील में वो बैठ गए और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जो सरकार से उस इनसे जो प्रशासन से उससे साफ जता रहे हैं। तो प्रशासन से कुछ एक्शन लिया गया है देवेंद्र अब तक या नहीं, या ये जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा? देखो जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, शासन में हड़कंप तो मचा हुआ है, अभी ताज की बात कर रहे हैं और अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से अपनी नाकामी तो है, जो इतना बड़ा मामला जो सामने बना है वो साफ तौर पर उनकी नाकामी है या उनकी जो कार्यशैली है उस पर सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इस मामले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देवेंद्र ये बड़ी नाकामयाबी है। जिस तरह से अगर लोग विकास नहीं होगा और ऐसे पलायन करने लगेंगे और पलायन के पोस्टर लगा देंगे, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये नाकामी है और उस वजह से लोगों को पलायन करना पड़ है। देवेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है, जिस तरीके से केवल ग्रामीण अपना हक की बात कर रहे थे, अपने गांव समाज की जो उनकी जो जो उनकी रोजमर्रा के रास्ते को लेकर हो चाहे सफाई को लेकर हो, केवल वो अपनी उन्होंने अपनी बात रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान पर जो आरोप है वो भ्रष्टाचार से लिप्त ग्राम प्रधान है और उस ग्राम प्रधान ने अपनी जो ताकत है, अपनी सत्ता का जो कहीं ना कहीं हनक है उसको साबित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर ग्रामवासियों को गलत फंसा दिया गया। जी देवेंद्र, क्या आपकी जो इतने सारे परिवार हैं जो यहाँ पलायन करने को तैयार है, उनमें से किसी से बात हो पाई, उनका दर्द क्या है एक्चुअली? साफ तौर पर जिस तरीके से उनके साथ जो अन्याय हुआ, उन्होंने चीख चीख क्या कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने केवल गांव का मुद्दा उठाया और बदले में उन्हें झूठे मुकदमे मिले, तो साफ तौर पर मानसिक रूप से परेशान होकर प्रचंड होकर उन्होंने गांव से पलायन के लिए तैयार हो गए। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर